नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस्त में। दोस्तों आज की इस वीडियो में रहने वाला है कुछ खास। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं स्वदेशी LCH यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के बारे में। आखिर इस हेलीकॉप्टर की जरूरत क्यों महसूस की गई और अब भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने क्यों LCH को प्राथमिकता के साथ इसका प्रोडक्शन करने के लिए कहा है। और साथ ही इस वीडियो में रहेगा कि LCH की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और भारत रूस और अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए LCH की यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की जरूरत को क्यों महसूस कर रहा है, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों भारत में बनाया गया है LCH यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। तेजस की तरह ही हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने आसमान में भारतीय सैन्य शक्ति को हल्का और ताकतवर बनाने के लिए LCH यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का निर्माण किया है। भारत में बना पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद बना है। यह हेलीकॉप्टर 6 टन वाला अटैकिंग हेलीकॉप्टर है और इसमें दो इंजन लगाए गए हैं जिनका नाम शक्ति है। ये इंजन इस हेलीकॉप्टर को काफी फुर्तीला यानी कि मैन्युअल बनाता है। दिन के अलावा रात में भी दुश्मनों पर हमला करने में सक्षम है LCH। इस अटैकिंग हेलीकॉप्टर में रडार और लेजर मिसाइल वार्निंग सिस्टम्स लगे हुए हैं। दोस्तों खास बात यह है कि इस पर लगी हुई मशीन गन एक तरफ से दूसरी तरफ मोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर को मोड़ना नहीं पड़ता है, बल्कि हेलीकॉप्टर को चला रहे इसके पायलट के हेलमेट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि पायलट जिस तरफ देखेगा ये मशीन गन उसी तरफ घूम जाएगी। दोस्तों भारतीय सुरक्षा बलों को अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग तरह से संघर्ष करना पड़ता है। कहीं सियाचिन है तो कहीं राजस्थान की तपती धरती, तो कहीं पर जंगल व नहरों में छिपे आतंकी। लेकिन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इन सभी स्थितियों में सेना को क्लोज एयर सपोर्ट देता है, यानी कि दुश्मनों को ठिकानों पर वह हमला भी कर सकता है, उसके टैंक्स को भी बर्बाद कर सकता है और दुश्मनों पर रॉकेट और मशीन गन से भी फायर कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी भारत रूस के MI-35 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करती है और इनकी दो स्क्वाड्रन्स है। MI-35 हेलीकॉप्टर आखिर है क्या, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों आखिर जरूरत क्यों पड़ी LCH को बनाने की? दोस्तों बात उस वक्त की है जब करगिल का युद्ध चल रहा था। भारतीय सेना के पास अगर बड़ी क्षमता में ये अटैकिंग हेलीकॉप्टर होते तो ये युद्ध आसानी से खत्म हो जाता और दुश्मनों के कैंप चंद मिनटों में खत्म हो जाते। दोस्तों इंडियन आर्मी का ये पहला अपना देसी वेपनाइज हेलीकॉप्टर है। रक्षा क्षेत्र में भारत का ये देसी हेलीकॉप्टर माना जाता है। ये वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसके चर्चे भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन में होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसकी पहले झलक मार्च 2016 में दिखाई गई थी जब पोखरण में आयरन फेस्ट चल रहा था। भारतीय सेना लंबे वक्त से लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के बारे में सोचती आ रही है और दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स से ज्यादा जरूरत इन हेलीकॉप्टर्स की भारतीय सेना को है। दोस्तों इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पर 20 mm की टारगेट गन लगी हुई है जो 2 किलोमीटर की रेंज तक 300 राउंड कैरी कर सकती है और इसमें इंफ्रारेड कैमरा लगा हुआ है जो रात में भी अटैक करने में काफी सक्षम है। साथ ही इस हेलीकॉप्टर में एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट हथियार भी लगे हुए हैं जो कि UAVs को खत्म कर सकते हैं, साथ ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट को भी खत्म करने में सक्षम है। दोस्तों इसके पायलट्स में मिसाइल और रॉकेट्स को लगाया जा सकता है जिनकी रेंज 8 किलोमीटर तक होती है। आपको बता दें कि इस हेलीकॉप्टर में 48 रॉकेट ले जाने की क्षमता है। दोस्तों आपको एक बार फिर बताना चाहूंगा कि करगिल के युद्ध के समय में भारतीय वायुसेना ने MI-35 का इस्तेमाल किया था। MI-35 10,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर नहीं जा सकता है, बल्कि जबकि उस दौरान घुसपैठी 15,000 की फीट पर बैठे हुए थे। दोस्तों तभी भारतीय वायुसेना ने MI-17 का इस्तेमाल किया जो कि उस ऊंचाई पर जा सकता था, इसीलिए MI-17 पर रॉकेट के पॉड्स लगाए गए। जब युद्ध शुरू हुआ तो नुब्रा फॉर्मेशन के दौरान 4 MI-17 हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, जिसमें से 3 MI-17 हेलीकॉप्टर ने एक्यूरेसी के साथ अपने रॉकेट्स दागे जिससे पाकिस्तान की सेना तिलमिला गई। लेकिन चौथा हेलीकॉप्टर इंफ्रारेड शैफ्टर फ्लैश न होने के कारण पाकिस्तानी सेना के द्वारा दागी गई स्टिंगर मिसाइल का निशाना बन गया। आपको बता दें कि ये स्टिंगर मिसाइल अमेरिका ने पाकिस्तान को दी थी और इस कमी को दूर करने के लिए HAL ने निर्माण शुरू किया LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का। चीन और पाकिस्तान भारत के साथ अपनी पहाड़ी सीमा को साझा करते हैं और ऐसे में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। यह हेलीकॉप्टर बड़ी आसानी से ऊंचाई पर पहुंच जाता है और दुश्मनों के अड्डों और टैंकों को खाक कर देता है।
हल्का होने के साथ साथ ये अधिक ऊंचाई पर तुरंत पहुंच जाता है। दोस्तों LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सियाचिन ग्लेशियर पर भी सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना अपने अटैकिंग हेलीकॉप्टर के रूप में MI-35 जो कि रशिया द्वारा निर्मित है उसका इस्तेमाल करती है। भारतीय वायुसेना चाहती थी कि वे MI-35 को अधिक से अधिक खरीदे, लेकिन अफगान युद्ध के दौरान MI-24 और MI-35 लगातार फेल होते रहे, जिसका कारण था अमेरिका की स्टिंगर मिसाइल। आतंकी इन मिसाइलों का प्रयोग MI-35 और MI-24 हेलीकॉप्टर्स में कर रहे थे और इस बात को भारतीय वायुसेना जानती थी, इसीलिए भारतीय वायुसेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए भी अप्लाई किया है। आपको बता दें कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स कीमत काफी अधिक है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर काफी एडवांस माने जाते हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना इसकी सीमित मात्रा में इसे खरीद सकती है। आपको बता दें कि इसीलिए इस कमी को दूर करने के लिए LCH एक बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। दोस्तों अगर स्पीड की बात की जाए तो LCH की जो स्पीड है 268 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं MI-35 की 310 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात की जाए तो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट LCH का 6.5 टन है, जबकि MI-35 का 12 टन है। दोस्तों अगर सर्विस सीलिंग की बात की जाए तो MI-35 16,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है, वहीं LCH 21,320 फीट की इसकी सर्विस सीलिंग है। सर्विस सीलिंग के मामले में LCH MI-35 से काफी अच्छा है। दोस्तों LCH के हथियारों की अब बात करें तो LCH में हथियार ले जाने की क्षमता कम है और ये 70 mm के रॉकेट दाग सकता है, साथ ही 8 हेलिना मिसाइल ले जाने में भी सक्षम है। दोस्तों आपको बता दें कि 2017 में भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने अपने अपने ऑर्डर दिए, जिसमें भारतीय वायुसेना ने 65 LCH का ऑर्डर दिया और इंडियन आर्मी ने 114 LCH का ऑर्डर दिया है। अभी फिलहाल इन हेलीकॉप्टर्स का प्रोडक्शन हेलीकॉप्टर कॉम्प्लेक्स बेंगलोर में हो रहा है। अभी फिलहाल 15 LCH हेलीकॉप्टर्स को 2019 के अंत तक डिलीवर करने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों ये है भारत का देसी LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो कि कई मायनों में काफी एडवांस भी है और धीरे धीरे इस हेलीकॉप्टर को और एडवांस बनाए जाने की प्रक्रिया पर कार्य भी चल रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है LCH के बारे में, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर अपना जवाब दे। साथ ही दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और डिसलाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टेक्निकलस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।